ब्यावर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश के 520 नायब तहसीलदार की तबादला सूची जारी की गई है। एपीओ चल रहे अधिकारियों को भी सूची में स्थान मिला है। ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग मिली है। आपको बता दें कि कई अधिकारियों को कार्य व्यवस्था के तहत भी पोस्टिंग मिली है। राजस्व मंडल अजमेर निबंधक महावीर प्रसाद ने ये सूची जारी की है। ब्यावर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 520 नायब तहसीलदार की तबादला सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि एपीओ चल रहे अधिकारियों को भी इस सूची में स्थान मिला है। ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग मिली है। कई अधिकारियों को कार्य व्यवस्था के तहत भी पोस्टिंग दी गई है। तो राजस्व मंडल अजमेर निबंधक महावीर प्रसाद ने यह सूची जारी की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता श्याम। श्याम, 520 नायब तहसीलदार जिनकी तबादला सूची जारी की गई है, बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी सर, बताना चाहूंगा, इसमें ऐसे भी कई अधिकारी हैं जो पिछले लंबे समय से एपीओ चल रहे थे, पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, उन्हें भी इस सूची में स्थान दिया गया है और उन्हें भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है। कई ऐसी भी स्थान है प्रदेश में जहां तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं, ऐसे स्थानों पर भी विभाग ने जो है नायब तहसीलदार को कार्य व्यवस्था के तहत तहसीलदार के रूप में फील्ड पोस्टिंग दी है। जी सौरभ, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एपीओ चल रहे अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग मिल गई है। 520 नायब तहसीलदार जिनकी तबादला सूची जारी की गई है। राजस्व मंडल अजमेर निबंधक महावीर प्रसाद ने ये सूची जारी की है। तो सूची इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 520 नायब तहसीलदार जिनके तबादले किए गए हैं, बड़े पैमाने पर ये तबादले हुए हैं, और साथ ही इनमें एपीओ चल रहे नायब तहसीलदारों को भी फील्ड में पोस्टिंग दी गई है।